ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे पाएं, इस पर परमहंस योगानंद कहते हैं, अनेक लोग अपनी कठिनाइयों के बारे में मुझसे बात करने के लिए मेरे पास आते हैं। मैं उनसे चुपचाप बैठने, ध्यान करने और प्रार्थना करने का आग्रह करता हूं और अंतर में शांति अनुभव करने के बाद उन वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहता हूं जिनके द्वारा उस कठिनाई को हल किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। जब ईश्वर में लगा रहने से मन शांत होता है, जब ईश्वर में विश्वास बढ़ता है तो मनुष्य अपनी कठिनाई का हल पाते हैं। समस्याओं को अनदेखा करने से या उनके बारे में अधिक सोचने से उनका समाधान नहीं होता। तब तक ध्यान करें जब तक आप शांत ना हो जाएं। फिर अपनी समस्या पर मन को लगाएं और ईश्वर की सहायता के लिए गहनता से प्रार्थना करें। समस्या पर ध्यान केंद्रित करें और आप समस्या के भीषण तनाव से गुजरे बिना समाधान पा लेंगे। याद रखें, मन के लाखों तर्कों से बढ़कर है कि आप बैठें और तब तक ईश्वर पर ध्यान लगाएं जब तक आप अपने भीतर शांति अनुभव ना कर लें। फिर प्रभु से कहें, मैं अपनी समस्या को अकेले हल नहीं कर सकता, चाहे मैं असंख्य विचार सोचूं, परंतु मैं इसे आपके हाथों में सौंपकर सर्वप्रथम आपके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करके और फिर संभावित समाधान के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचकर मैं इसका समाधान कर सकता हूं। ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ध्यान में ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद जब आपका मन शांत हो जाता है और विश्वास से भर जाता है तो आप अपनी समस्याओं के विभिन्न प्रकार के समाधान पा सकते हैं। और क्योंकि आपका मन शांत है, इसलिए आप सर्वोत्तम समाधान को चुनने में सक्षम होते हैं। उस समाधान का अनुसरण करें और आपको सफलता मिलेगी। यही दैनिक जीवन में धर्म के विज्ञान को लागू करना है। तो योगानंद जी ने हमें समस्याओं को सुलझाने के लिए यही कहा था। अंत में मैं यह कहूंगा कि बताई गई जानकारी को गहरे ध्यान से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।